ये यहाँ पे क्रेन है जो कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। गंगा एक्सप्रेस वे आगे काफ़ी और काम चल रहा है। यहाँ पे डंपर वगैरह और जेसीबी क्रेन और सारी तैयारी रामनगरिया। तो दोस्तों उसके पास में दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे निकला है जो कि यहाँ के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, यूनिक आशीष ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज को जा रहा है और वहां की क्या लोकेशन है। पूरी वीडियो में बने रहिए तब आपको समझ में आएगा। सो गाइज, हम आ चुके हैं एक हाईवे पे और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, जिस लोकेशन पे आप देख रहे हैं दोस्तों रूपापुर है और जो इस साइड रास्ता देख सकते हैं ये दोस्तों शाहबाद के लिए गई है और ये जो सामने आपको रास्ता दिख रही है ये सीधे जाती है उल्लापुर फरकाबाद के लिए रास्ता जाती है। और दोस्तों यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर गंगा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे की लोकेशन। तो गाइज फाइनली जिस जगह हम खड़े हैं ये दोस्तों रोड जो आपको दिख रहा है ये दोस्तों फरकाबाद के लिए रास्ता गई, थोड़ा इधर दिखा दीजिए। और ये गंगा एक्सप्रेस वे के बीच में दोनों के बीच में ये दोस्तों एक रोड निकला है जो कि फरकाबाद के लिए रास्ता गया है। और थोड़ा सा इस साइड लोकेशन दिखा दीजिए, ये दोस्तों अभी दोनों में ये कनेक्टिंग का काम हो रहा है जिसमें ओवरब्रिज बनेगा, इसके नीचे से दोस्तों ये रोड निकला है। और इस साइड दिखा दीजिए मेरे व्यूअर्स को जो कि मिक्सर प्लांट लगा है जो कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे। ये दोस्तों यहाँ पे ये गिट्टी वगैरह और मिक्सिंग होता है पूरा, तो दोस्तों आप पूरा देख सकते हैं, पूरा दिखा दीजिए लोकेशन। ये दोस्तों मिक्सिंग प्लांट है और यहाँ की पूरी लोकेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ करीब से जाके। ये दोस्तों पिलर का काम हो रहा है जो कि ओवरब्रिज बनेगा दोनों। और सामने दोस्तों देख सकते हैं ये मिक्सिंग प्लांट है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों देखिएगा। और यही दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे है। गाइज आप देख सकते हैं ये दोस्तों रूपापुर में मिक्सिंग प्लांट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एरिया में दोस्तों ये रहेगा गंगा एक्सप्रेस वे। आगे काफ़ी और काम चल रहा है, मिक्सिंग होती है और आगे भी एक दोस्तों और प्लांट है, वहाँ की भी लोकेशन हम आपको दिखाएँगे। कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, ये देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर काम चल रहा है। ये डंपर अभी गया है भर के, आगे शायद गिट्टी उसमें लगी है। और इस एक्सप्रेस वे की वीडियो बनाने के लिए आज मेरे साथ अभिषेक भाई हैं। और भाई कैसे हो? जबरदस्त। चले दोस्तों अभी आपको आगे की लोकेशन हम दिखाएंगे, चले अभिषेक भाई? भाई चलो। और ऐसे ही बराबर नियंत्रण काम चलता रहता है, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे क्रेन है जो कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, ये दोस्तों देखिएगा। और ये पानी को पास करने के लिए दोस्तों ये बम्बू रखे हैं और यहाँ पे डंपर वगैरह और जेसीबी क्रेन और सारी तैयारी में है। गांव वाले ये फाइनल कोर्ट देखने के लिए सभी लोग तैयार हैं अभी जो कि फाइनली गाइस जिस लोकेशन पे आप देख रहे हैं ये दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे है। ये दोस्तों रूपापुर के पास ये प्लांट है और जो कि मैंने पीछे भी प्लांट दिखाया था, ये दोस्तों रोड है इस पे फाइनल कोर्ट बता रहे हैं, अभी 2 कोर्ट और पड़ेंगे। इधर साइड दिखा दीजिए ये सर्विस रोड रहेगा यहाँ पे दोस्तों, सर्विस रोड गांव वालों के लिए रहेगा, अचानक अगर एंट्री चाहते हैं तो दोस्तों एंट्री नहीं मिलती है। हमारे पीछे दिखा दीजिए ये दोस्तों काम अभी चल रहा है यहाँ पे, 2 कोर्ट पड़ने वाले हैं इस रोड पे। आइए दो जानकारी मांगी भाई साहब से, बोले इस पर 2 कोर्ट पड़ने वाले हैं। चलिए देखिए अगर लंबाई की बात करें 594 किलोमीटर रहेगी मेरठ से प्रयागराज जो कि हमारे जाएगा, काफ़ी क्षेत्र में दोस्तों फायदा होने वाला है जो कि विकास और व्यापार के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है एक्सप्रेस वे। बाकी पूरी लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज़ी में ये दोस्तों वर्किंग हो रहा है और दोस्तों जो कि यहाँ पे फाइनल कोर्ट के लिए तैयारी हो रही है और बहुत ही जल्दी दोस्तों ये पूरा 1 कोर्ट तैयार हो जाएगा जो दोस्तों आगे तक आपको जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक इसका ये कोर्ट पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये फाइनल कोडिंग पे ये कंडीशन आ चुकी है। ये दोस्तों डिवाइडर का ये एरिया दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, ये दोस्तों डिवाइडर है, उसके बाजू में ये दोस्तों रोड है, एक साइड की ये दोस्तों रोड है, एक दोस्तों उस साइड की रोड है, दोनों बाजू में दोस्तों सर्विस रोड दी जाएंगी, एक साइड और ये साइड, दोनों साइड दोस्तों सर्विस रोड रहेगी।
और ये दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी में दोस्तों वर्किंग स्टार्ट है। और अभी तो दोस्तों मशीनें काम नहीं कर रही हैं, ये दोस्तों सारी मतलब प्रोसेस में है। और शायद हो सकता है इसमें अभी इनका कुछ कुलतार वगैरह ये मिक्सिंग किया जा रहा है। कुछ ही देरी में दोस्तों ये कोड पड़ने वाला है जो कि आपको दिखाएंगे हम। कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में सारे लोग। रूपापुर के पास में दोस्तों बता रहे हैं तीन गांव पड़ते हैं ना, कौन कौन से पड़ते हैं? शिवनगर, दगहला, रामनगरिया। शिवनगर, दगहला, रामनगरिया, रामनगरिया। तो दोस्तों उसके पास में दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे निकला है जो कि यहां के गांव लोग वाले देख रहे हैं, ये फाइनल कोड पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों अब आपको आगे की भी लोकेशन दिखाते हैं। मेरी वीडियो गंगा एक्सप्रेस वे की कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए आपकी लोकेशन की जहां तक मुझे हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या अच्छा ना लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमी ज़रूर बताएं दोस्तों, कमी से ही आगे बढ़ेगा दोस्तों मेरा चैनल। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।